नमस्कार दोस्तों, समय धरा एक बार फिर आम जनता की आवाज बनकर एक मजेदार तेज तरार वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर है। इस बार हम ओबीसी के उस भाषण की फुटेज लाए हैं जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार को नमो टीवी का एंकर बनाने की सलाह दे डाली। देखिए आखिर क्या कहा ओबीसी जी ने इस वीडियो में। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गो, मोदी का हाल तो ये है कि अब मोदी ने एक फिल्म एक्टर को इंटरव्यू दे दिया। टीवी पर जितने उनके एंकर थे वो टीवी के एंकर वाले क्योंकि अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे थे तो मोदी ने उनसे कहा कि तुम एक्टिंग सही नहीं कर रहे, मैं सही एक्टर को लेकर आऊंगा। और सही एक्टर को लाए और लाकर वो एक्टर मोदी से क्या सवाल करता है, आप आम कैसा खाते हैं, काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, ये कोई सवाल है? अरे दीवाने, तेरे को आम खाना नहीं आता तो तू पूछ रहा है काट के खाते चूस के खाते? अरे आम मिला तो खाना पड़ता है उसको। ये बोल रहे आप काट के खाते या चूस के खाते, इसको आप नमो टीवी का एंकर बना दो इस एक्टर को। ये बताइए, कोई प्राइम मिनिस्टर है, फिल्म का एक्टर है हॉलीवुड का, एक्टर को बुलाकर पूछ रहा है, हंस रहा है। क्या बात है, देश में लोग मर रहे हैं, देश में नौजवान परेशान है। ओबीसी का यह रिएक्शन मोदी और अक्षय कुमार के इस इंटरव्यू को लेकर आया। देखिए इस इंटरव्यू की यह सारी फुटेज। मैं आपको बताऊं, मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, उसने एक, मैं उसको पूछ रहा था कि बेटे तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी? तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है, वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं, लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पकी हुई आम थे वो खाना हमें जरा ज्यादा पसंद था, यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ। और फिर पूरा का पूरा, अच्छा तब तो ये हाइजेनिक की है, कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए टिकना करना, कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ही अपना कर लेते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे बढ़े तो कई वैरायटियों के विषय में जानने लगे, आम रस खाने की आदत लगी। लेकिन आम दोनों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, अभी फिलहाल कंट्रोल, अब फिलहाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाऊं या ना खाऊं। अब बात करते हैं ओबीसी साहब का साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर दिए गए बयान का वह वीडियो। प्रज्ञा ठाकुर को इन्होंने कैंडिडेट बनाया भोपाल से। मैं महाराष्ट्र में जितने वोटर्स हैं उनसे अपील कर रहा हूं कि कम से कम आप महाराष्ट्र की इज्जत की खातिर बीजेपी को हराओ, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर ने अपने स्टेटमेंट के जरिए हेमंत करकरे जिसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, जो पाकिस्तान से जालिम अजमल कसब और उसकी गैंग आई थी, जो मुंबई की सड़कों पर हिंदुस्तानियों को गोली मार रहे थे, हेमंत करकरे ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तो ये बीजेपी की मोदी की कैंडिडेट महाराष्ट्र की तौहीन करती और कहती है कि हेमंत करकरे को मैंने शराब दिया। जो पुलिस वाले लाइन ऑफ ड्यूटी में मर जाते क्या इस प्रज्ञा ठाकुर की बद्दुआ से मरते? हेमंत करकरे जब ड्यूटी कर रहा था तो क्या वो देख रहा था कि अजमल कसब मुसलमान है और प्रज्ञा ठाकुर हिंदू है? वो ये देख रहा था कि टेररिज्म को रोकना है। मैं महाराष्ट्र की आवाम से अपील कर रहा हूं
अगर हेमंत करकरे की मोहब्बत, उसकी कुर्बानियां तुम्हारे दिलों में अगर आज भी है, तो कभी भी इस पार्टी का साथ मत दो। एक सबक सिखाओ इन लोगों को जिसके हेमंत करकरे की तो। यह ओबीसी जी का बेबाक बयान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान के बाद आया। हेमंत करकरे को वो जांच आयोग, जांच जो बिठाई थी वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को हेमंत करकरे, उन्होंने हेमंत करकरे को बुलाया, कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो साध्वी जी को छोड़ दो, सबूत नहीं है तो इनको रखना गलत है, गैर कानूनी है। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, बनाऊंगा, करूंगा, इधर से लाऊंगा, उधर से लाऊंगा, लेकिन मैं साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी कुटिलता थी, ये देशद्रोह था, ये धर्म विरुद्ध था। जब वो मुझसे पूछा तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैंने कहा मुझे क्या पता, भगवान जाने। तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए, आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा, ठीक सवा महीने में सूतक लगता है, जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक सवा महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। तो दोस्तों, दिन ब दिन लोकसभा चुनाव का माहौल गर्माता जा रहा है, सियासत खास से आम हो गई है, सियासत आम आदमी से हटकर आम पर अटक गई है, जातिवाद पर अटक गई है, एक बार फिर हिंदू मुस्लिम पर राजनीति जारी है। क्या देश के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे के सारे नेताओं से हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि वो देश की सोचे या सिर्फ आम आम खेलते रहेंगे? दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। वह समय धारा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।